दोस्तों आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डेप्थ कंसेप्ट है इसके। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इस चैप्टर को ईजी बनाती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है? तो समझते हैं। चलिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे अगर आपसे बात करूं, इस चीज की बात करता हूं, ये मेरे पास एक जो है चौक का एक डिब्बा है, इसका है डोम्स कंपनी का है, काफी अच्छी चौक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप ये देखोगे, अगर मैं इसका ऊपर का ये सरफेस छोड़ दूं और ये नीचे का सरफेस छोड़ दूं, ये ठीक है, नीचे का सरफेस छोड़ दूं और ये ऊपर का सरफेस छोड़ दूं, तो आपको कितने फेस आपको इसके दिखाई देंगे? आपको दिखाई देंगे 1, 2, 3 और 4, ये 4 फेसेस दिखाई देंगे, राइट? तो इनको इनका एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इनको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं इस नीचे वाला एरिया भी निकाल लूं और ऊपर वाले का एरिया भी निकाल लूं और फिर उन्हें CSA के साथ ऐड कर दूं तो निकलता है टोटल सरफेस एरिया। ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कुछ मिल तो नहीं रहा, चलिए ये मिल गया, ठीक है। ये क्या है? अरे ये योगा मैट है, मैं इस पर एक्सरसाइज करता हूँ सुबह बैठ करके। तो अब इसका कैसे निकालना है? ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये सारा का सारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक। और अगर ये मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये हो गया इसका बेस और ये भी हो गया ऊपर का, ये ऊपर भी बेस हो गया। लेकिन एक्चुअल में है क्या शेप? ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। तो अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का CSA कैसे? ये हो गया इसका CSA। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे वाले बेस का एरिया और ऊपर वाले बेस का एरिया इसे निकाल दो, ठीक है। वो उससे क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके अलावा, ये समझ गया आप, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम क्या है, ठीक है। वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो जैसे मान लो मेरे पास एक सेल है ये, ठीक। अब अगर इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कितना मटीरियल है, इसके अंदर कितना मटीरियल है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा एक समझ आया, तो एक और एग्जांपल देखो, फिर से वही उठा लिया मैंने। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहां से, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप ये देखोगे इसके अंदर कितना इसके अंदर सामान आ सकता है या इसके अंदर कितनी जगह है या कितना इसके अंदर एयर है, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि चलो ये मेरे पास कोई एक बुक है, ये मेरे पास एक बुक है, इसका शेप क्या है? कीवर्ड का शेप है, ठीक है, ये कीवर्ड का शेप है। तो मैं इस पर्टिकुलर खाली पेज की बात करता हूँ पहले, तो अगर मैं इस पेज की बात करूँ तो रेक्टेंगल हो गया, क्या इसके अंदर कोई वॉल्यूम है? नहीं है ना, इसके अंदर तो कोई वॉल्यूम नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ क्या है, एरिया है, यानी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर एरिया है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया? अगर सारे पेजेस को एक के ऊपर एक लगा दिया जाए तो एक कुछ लेयर बन गई, थिकनेस आ गई, इसके अंदर थिकनेस आ गई ना। अब थिकनेस आई है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ये हाइट भी आ गई है, ये हाइट भी आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर, इसके वर्ड के अंदर कितने पेजेस हैं, टोटल कितने पेजेस हैं, मटेरियल कितना लगा है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। निकालते कैसे हैं वो सब मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, छोड़ के मत जाइएगा। अगर कॉन्सेप्ट वीक रह गया तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास फॉर द टाइम बीइंग, हाँ चलिए एक काम करते हैं, यही वापस मैंने यहाँ पर डोम्स का ये चौक बॉक्स उठा लिया है, और अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है, इस तरीके से दिखाऊं, तो आप ये देखो ना, इसके अंदर है तो क्यूबॉइड का शेप, लेकिन इसके अंदर मैंने चॉक्स रखी हुई है। लेकिन अगर मैं चॉक निकालता हूँ ना, तो चॉक देखो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है,
यानी मैंने एक क्यूबॉइड के अंदर क्या है, चौक लग रखी है। कितनी चौक है, ये सब रखी हुई 10 चौक्स हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कितनी चौक रख सकता हूँ, या इसके अंदर कितना सामान रख सकता हूँ, इसके अंदर कितना मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आई थिंक आपको मेरी बात ही समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम रटना नहीं, अब मैं आपको निकालने के तरीके समझाता हूँ। चलिए बात करता हूँ मैं आपसे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया या क्यूब का सरफेस एरिया। तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और सीएफए ऑफ क्यूब, ठीक है। पहले इसे समझते हैं कि ये क्या चीज होती है। क्यूब के लिए तो मेरे पास फिलहाल कोई एग्जांपल अभी मुझे दिख नहीं रहा, एक काम करता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ फॉर्म कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ कि बना दूँ यहाँ पर। नहीं बन पाएगा तब एडजस्ट कर ही सकते हैं, कभी कोई दूसरा एग्जांपल मेरे पास आया तो जरूर आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से फॉर्म करता हूँ, तो मेरे पास ये कुछ डिफरेंट टाइप का एक ये फिगर ड्रा हो गया, ठीक। अब समझाते हैं, मान लेता हूँ कि अगर मैंने ये क्यूब बनाया तो क्यूब क्या होता है, इसकी सारी डायमेंशन सेम होती हैं। तो अगर लेंथ ए है तो ब्रेथ ए है, और अगर ब्रेथ ए है तो हाइट भी ए है, सारी चीजें इक्वल होती हैं, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको लैटरल सरफेस एरिया और सी एस ए क्या होता है। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, नीचे छोड़ दो, ऊपर छोड़ दो, ये 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 और ये, इन चारों फेसेस का एरिया निकाल करके ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सी एस ए। तो अगर मैं सी एस ए की बात करूँ, सी एस ए ऑफ क्यू जी, तो चलो अब मैं इस वाले फेस का एरिया निकालता हूँ, इसका और इसका एरिया निकाल। तो आप देख रहे हो ब्रेथ ए है, ठीक है, ब्रेथ ए है और हाइट कितनी है, ए है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा ए इंटू ए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया। अब ऐसे कितने फेस होंगे, एक इधर, एक इधर, एक ये सामने और एक इधर, मतलब 4a2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 4a। आगे लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, सेकेंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे, तो TSA ऑफ क्यूब निकालने का क्या तरीका है, मैंने बताया था ना अभी, नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया इनके सी एस ए में ऐड कर दूँगा। तो नीचे का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ए ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू ए, ए स्क्वायर, ऊपर वाले का भी ए स्क्वायर, मतलब 4a2 में हमने 2a2 और ऐड कर दिया, 6a2, ये आ गया 6a2। चलिए अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का क्या तरीका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का क्या तरीका है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि किसी भी सॉलिड फिगर में अगर हम उसके बेस का एरिया निकाल लें, यानी जो भी सॉलिड दे रखा है उसका बेस का एरिया निकाल करके उसमें अगर हम हाइट मल्टीप्लाई कर देना, जितनी हाइट तक वो सॉलिड है, तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। जरा देखें कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बेस क्या था, क्यूब का जो बेस था वो एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये बेस का एरिया आ गया। अब हाइट, तो क्यूब जो मैं बनाया था मैंने उसकी हाइट क्या थी, ए थी, तो अगर मैं ए मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए क्यूब। तो मुझे ये पता लग गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो ए क्यूब होता है, ठीक है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं सी एस ए और एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो मेरे हाथ में एक बुक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, सी एस ए निकालना है, तो ये वाला और ये वाला एरिया छोड़ दो, ये 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 और ये,
इन चारों का निकाल के ऐड कर दो, आपको क्या पता लग जाएगा, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए थोड़ी देर मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये एल है, और ये इसकी ब्रेथ है बी, और ये इसकी हाइट है एच। ठीक, अब ध्यान सुनना, मैंने ये स्किप करने के लिए कहा और ये स्किप करने के लिए कहा, तो इसका ये क्या आएगा, ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है, एल इंटू एच। यानी इस फेस का एरिया कितना आ गया, एल इंटू एच, जितना इधर है उतना ही ये इधर भी होगा, इस साइड भी होगा, मीन्स टू एल एच। ठीक, प्लस अब इस फेस का एरिया निकालना है, तो ये क्या चीज है, ब्रेथ, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बी इंटू एच से इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक, तो बी इंटू एच, ये बी और ये एच, इसका एरिया निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टू बी एच। ठीक, ये आ गया टू बी एच। अगर मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ टू एच, तो क्या आ जाएगा, टू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, टू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तो दिस इज द सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम। यानी किसी रूम के चारों दीवारों का अगर हमें एरिया निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, टू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, इसी को सी एस ए और एल एस ए बोला जाता है। अगर मैं आगे बात करूँ टी एस ए की, ठीक है, टी एस ए, तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। तो मैंने क्या बताया था कि सी एस ए में लोअर बेस और अपर बेस का एरिया जोड़ो। ठीक, तो जरा देखते हैं, इसका एरिया ऊपर वाले एरिया का बेस का एरिया निकालना, तो ये क्या था, लेंथ था एल, और ये क्या है, ब्रेथ, तो एल इंटू बी से ऊपर वाले का एरिया आएगा, नीचे भी वही होगा, यानी टू एल बी, कितना हो गया, टू एल बी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी एस ए तो ये आ चुका था, इसमें ऐड करता हूँ टू एल एच प्लस टू बी एच, मैं टू एल बी ऐड कर दिया, तो इनमें से कॉमन निकाला, अगर मैंने टू तो एल बी पहले लिख लेता हूँ, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो दिस इज सी एस ए आर सी एस ए आर करता हूँ क्यूबॉइड की वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर हमें बेस का एरिया पता हो, उसमें हाइट मल्टीप्लाई करके हमें वॉल्यूम पता लग जाता है। तो चलो ये इसका बेस है जिस पर मेरे पाम पे टिका हुआ है, तो मतलब बेस तो इसका ये है, तो इस बेस का एरिया उतना ही था जितना ऊपर का था, यानी कि ये एल और ये बी, एल इंटू बी, बेस पर कितना एरिया हुआ, एल इंटू बी। अब मैंने कहा था कि बेस के एरिया में हम हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी हाइट तक की वॉइड है, एच हाइट तक की वॉइड है, तो मैंने यहाँ एच मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ये पता लग गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। राइट, आई होप आज का, आज की क्लास में जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उस वीडियो में मैं और भी फॉर्मूले आपको बताऊंगा, और भी डिटेल बताऊंगा, और आपके कंसेप्ट बिल्डअप करूंगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूंगा। तब तक के लिए थैंक।